नमस्कार दोस्तों, मैं आप ही का आप सबका आप ही के YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हर वीक की तरह इस वीक भी हम आपके लिए लाए के आए हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के लेवल। उससे पहले देखते हैं लास्ट वीक का जो हमने आपको स्टॉक्स के लेवल और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल दिए थे, उनका क्या परफॉर्मेंस है। पहला स्टॉक था टाटा स्टील। टाटा स्टील में हमने आपको अलर्ट पॉइंट दिया 1245। इस लेवल से अलर्ट पॉइंट से इसने एंट्री नहीं दिया, पर नीचे के जो सपोर्ट पॉइंट थे वहाँ से इसने अच्छी एंट्री दिया और वहाँ से अच्छा पैसा भी बना। उम्मीद करता हूँ आपने ये उनसे पैसा बनाया होगा, इसीलिए लेवल्स को नोट डाउन करके रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक था रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस में हमारा अलर्ट पॉइंट था 2370 से लेके 2380 का जोन, यहाँ से इसने हाई किया 2456। 76 पॉइंट्स का अप मूव दिया, लगभग 3.20% का अप मूव। नेक्स्ट स्टॉक था टीवीएस मोटर। शानदार परफॉर्मेंस किया इसने। हमारा अलर्ट पॉइंट था इसमें 6688, हाई किया 668.40। अलर्ट पॉइंट के पॉइंट से ही इसने डाउन किया 637। अगेन इसने हाई किया अलर्ट पॉइंट के पास का ही लेवल 666, यहाँ से इसने लो किया 630। अगेन नेक्स्ट के 3 डे कंटिन्यूस इसने अलर्ट पॉइंट से अप मूव दिया। एक दिन किया, एक दिन के लिए इसका हाई पॉइंट था 676, नेक्स्ट डे 679 एंड फ्राइडे को 681। यानी 5 डे वर्किंग में कंटिन्यू हर डे इसने आपको अलर्ट पॉइंट से एंट्री दिया। NMDC नेक्स्ट स्टॉक, अलर्ट पॉइंट था 159, हाई किया 157। अलर्ट पॉइंट तक नहीं गया, उसके आसपास का हाई किया, पर वहां से लो किया 144, लगभग 8.47% का डाउन मूव दिया। टीवी 18 ने भी बहुत अच्छा लेवल दिया। ऑलरेडी हमारी 50 से इसमें अलर्ट से पॉइंट से एंट्री थी। हमारा न्यू अलर्ट पॉइंट हमने आपको दिया था 71, इसने 71.15 पैसे का ही हाई किया। दोस्तों, ये है अलर्ट पॉइंट का पावर, मल्टी कंफर्मेशन का पावर, ये है नॉलेज का पावर, ये है टेक्निकल का पावर। अगेन लो किया 63.50 पैसा, वापस से इसने उसी अलर्ट पॉइंट के पास आया एंड अगेन डाउनफॉल दिया 65.30 का, 18%, लगभग 18% का इसने डाउन मूव दिया। लेवल्स को चेक करके रखिएगा, जब ये लेवल्स पे आता है, सपोर्ट पे आता है और दोबारा अलर्ट पॉइंट पे आता है, तो वहाँ बाइंग का फॉर्मेशन देखिएगा। अगर बाइंग का फॉर्मेशन बनेगा तो बाइंग करेंगे, अदरवाइज इसको फिर से हम सेल करके भी पैसा बना सकते हैं। निफ्टी, निफ्टी में लास्ट वीक हमारा अलर्ट पॉइंट था 17200, हाई किया दोस्तों इसने 17490 एंड रेसिस्टेंस पॉइंट हमारा था 17380। यहाँ से इसने एग्जैक्ट हाई किया 17380 और लो किया दोस्तों इसने 17219। बैंक निफ्टी ने हमारे अलर्ट पॉइंट से एंट्री नहीं दिया, क्योंकि मंडे को गैप डाउन हुआ मार्केट, पर जो हमने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिए उनसे इसमें ट्रेड मिला है। लेवल्स को लिख के रखिए, जब भी कोई अच्छा फॉर्मेशन बनता है वहां पर एंट्री करके पैसा बना सकते हैं। इस वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के लेवल हम आपके लिए लेके आए हैं। उसमें पहला स्टॉक होगा बाटा। बाटा में हमारा अलर्ट पॉइंट होगा 1895, सपोर्ट पॉइंट होंगे 1845, 1805, 1770, रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 1955, 1980, 1995। एफिल इंडिया, अलर्ट पॉइंट होगा 1215, सपोर्ट होंगे 1175, 1070, रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 1260, 1370, 1330। जीएनएफसी में हमारा अलर्ट पॉइंट होगा 550 से लेके 553 की जोन में आपको देखना होगा। अगर बाइंग का फॉर्मेशन बनता है तो बाइंग करेंगे, अगर बाइंग का फॉर्मेशन नहीं बनता है तो यहाँ आप सेल की पोजीशन भी ले सकते हैं। सपोर्ट पॉइंट होंगे 523, 598, 577, रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 565, 597,
70। आंध्रा सुगर में अलर्ट पॉइंट होगा 145, सपोर्ट पॉइंट होंगे 135, 125, 120, रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 155, 166, 175। निफ्टी इस वीक के लिए दोस्तों निफ्टी का अलर्ट पॉइंट होगा 17150 से लेके 17200, सपोर्ट पॉइंट होगा 16900, 16800, 16400, रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 17380, 17530, 17670। बैंक निफ्टी में अलर्ट पॉइंट होगा 37700, 37800। ये एक जोन होगा 100 पॉइंट का, जहां आपको ये हमारा अलर्ट पॉइंट का जोन है। सपोर्ट पॉइंट होंगे 13370, सपोर्ट पॉइंट होंगे 37200, 36800, 36400, रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 38100, 38550, 38850। दोस्तों आज का ज्ञान का विचार, हर एक से सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, परंतु हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्योरीज हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है 9828080757। आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इन लेवल से बेनिफिट हो रहा है तो आपको भी मैक्सिमम लोगों को ये बेनिफिट देना चाहिए। उसके लिए आपको इन लेवल्स को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों।